कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते। इसे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रदान होगा, लास्ट में छीछी तमो प्रदान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाती है। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। कपड़ा पहनते जाओ पहनते जाओ तो ऑब्वियसली पहले बार जो कपड़ा जब पहना उस समय उसकी जो चमक थी, और बाद में 50th वेयर कैसा होगा, फिर सेकेंड वेयर में ही थोड़ा फर्क पड़ जाता है, थोड़ा पता नहीं चलता। तो अच्छा पूछना चाहिए। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो क्या सिद्ध तो नहीं होती? हाँ तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, जन्म मरण रहित है, वैसे तो जन्म मरण नहीं है ना, फिर शिव जयंती भी कैसे? तो समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है। एक्चुअली शिव जयंती एक ऐसा शिवरात्रि जिसमें जन्म की बात नहीं आती है, शादी की बात बताते हैं ना वो तो, पर शादी का तो कोई ऐसे स्पेशल इतना ओकेजन थोड़ी बताते हैं। वो लोग तो जन्मदिन की बात भी नहीं करते ना, शिव जयंती वर्ड तो हम यूज करते हैं, वो लोग को शिवरात्रि बोलते हैं। हाँ शिवरात्रि यूज करते हैं ना, तो रात्रि वर्ड और शादी का कंसेप्ट कैसे क्ला गया? फिर बारात और जो भी है पूजा, मतलब अपने आप में ये कंफ्यूजिंग त्योहार है अगर क्लियर नहीं हो। शिव जयंती शिवरात्रि राम विवाह कितना धूमधाम का बताया जाता है राजघराने का, लेकिन उसका तो कोई त्योहार नहीं मनाते। मनाते राम श्री राम विवाह का नहीं मनाते, जन्म का मनाते, जन्माष्टमी रामनवमी हनुमान जयंती, इवन जो ये फ्रीडम फाइटर्स है उनकी भी जयंती, गांधी जयंती अंबेडकर जयंती मनाते, नेहरू जयंती मनाया जाता, कोई विवाह उत्सव कभी नहीं मनाया। तो फिर शिव जी के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब कि वो आए ना हम लोगों से मिले। हाँ तो मतलब वो भी कोई जन्म से ही कनेक्टेड होगा। फिर ये भी कर सकते हो, ये पॉइंट भी समझा सकते हो। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, हाँ शिव जयंती है परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है? वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वो इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कब सत्व प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है। अच्छा फिर बाप आते पावन बनाने, इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित बनती है होती है। आत्मा पावन आती है फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते, इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते पतित नहीं बनो अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं बाप कभी बच्चों को सुख दुख भगवान देते हैं। बहुत बड़ा गलत फहमी, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। नॉर्मल पिताजी भी है वो दुख देंगे, दुख की गाइडेंस देंगे नॉर्मल,
अज्ञानी से अज्ञानी पिताजी है। रावण माया ही दुख देती है, उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ ही नहीं समझते, वो धन को माया नहीं, वो तो धन को माया कह देते। कहते ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया वो सिर्फ लोभ विकार को माया मानते हैं, या बच्चों को मोह को माया मानते हैं, थोड़ी माया में फंसा हुआ है, या धन को मानते हैं। हाँ, पर माया अर्थात पांच विकार को कहा जाता है। अगर पांच विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सत्युग त्रेता में माया का नशा होता ही नहीं, वहां रावण का भूत बनाकर इसलिए जलाते ही नहीं है। भूत कड़े मनुष्य दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, मनमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर मत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत कहते हैं बाप की, वह है परमत रावण की मत, इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी। परमत और मनमत कितने सारे मत है बताओ एक बार। बावन पांच, फर्स्ट श्रीमत, फिर गुरु मत, फिर मात पिता मत, फिर मन मत, परमत। परमत कहो या जन्मत कहो, शास्त्र मत भी तो आएगी ना दीदी। हाँ, शास्त्र मत, फिर वो गुरु मत में आ ही जाता है, शास्त्र मत, गुरु मत, क्योंकि गुरु मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग कुछ कहेंगे। एक जनमत भी होता है, जनमत वही परमत ही हो गया ना, अगर जनमत भी परमत, पब्लिक ओपिनियन। तो श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की मत। इसलिए देखो श्रीमत भगवत गीता के लिए श्रीमत कहते, भागवत के लिए श्रीमत नहीं कहते, रामायण के लिए श्रीमत रामायण नहीं कहते, और भी जितने भी शास्त्र है योग वशिष्ठ है, श्रीमत योग वशिष्ठ नहीं कहते कोई भी, सिर्फ श्रीमत भगवत गीता। ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। मनुष्य ने सत्यु की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब समझ बताते हो 5000 वर्ष कैसे हो। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को नहीं बताए, कल्पना। क्राइस्ट को 2000 वर्ष, बुद्ध को 2250। 2500 किसने कहा, क्राइस्ट बुद्ध को। अच्छा, फिर इस्लामी, बोलो बोलो एनाबेन, इस्लामी बताओ ना नंबर नंबर, सृष्टि चक्र देख लो। 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते, इतने वर्ष होते तो फिर लाखों बार देवता आए, एग्रीड, लाखों वर्ष हुए, ये थोड़ा करेक्शन उनको पता। देवता शास्त्रों में मतलब देवताओं को तो वो इमोर्टली मानते हैं ना। फिर नीचे आ जाते, हाँ एक कौन, वो भी तो, और अफसर आए उन लोग को मेनका के लिए बोलते। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते, इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं।
5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मैं जो हूं जैसा हूं, ये चक्र कैसे फिरता है कोई जान न सके। बाप ही समझाते, यह है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा। ये अनादि नाम रखे हुए हैं। सब शास्त्र टीचिंग्स को शास्त्र बना दिया। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, धम्मपद, इसका बुद्धिज्म का धम्मपद, और उसके और लिखा भी किसने, जो जैसे शिव बाबा की टीचिंग्स गीता किसने लिखा, किसने लिखा? व्यास का काफी बाद में लिखा, लेकिन लिखा तो जिसने सुना होगा वही लिखा। जैसे ये बुद्धिज्म का है वो धम्मपद, किसने लिखा उसका, वो था ना शिष्य आनंद के थ्रू गया, उसने लिखा, जो उस समय बहुत अलर्ट, मतलब उसका ये प्रॉमिस था बुद्ध के साथ कि तुम मेरे बिगर किसी को एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, मतलब जब भी वो कुछ बोलेंगे वो सामने रहे। आनंद वो शिष्य ऐसा था, उसने लिखा था। तो बाबा कहते हैं कि जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा। ये अनादि नाम रखे हुए, क्राइस्ट का भी एक, बाइबल का भी कौन थे, सेंट पॉल, पीटर, इस तरह के थे, बताते हैं ये। तो ये तो मुझे लगता है सेंट पॉल तो इवेंचुअली, जो हाँ सेंट थॉमस हुए, वो सब इवेंचुअली हुए थे। तो वह रिपीट होते, 12 शिष्य थे उनके, उनमें का ये पूरा क्रिश्चियनिटी है। हाँ, बुद्ध के 5 थे, उसमें से नंबर 1 था ये। तो बच्चा पैदा हुआ, कोया वारिस हुआ। बाबा गुड़ियों को भी समझाते हैं, ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, कोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हम बाबा के वारिस है, बुढ़िया होती थी ना, गुड़गांव की बुढ़िया बहुत फेमस थी बाबा के लिए। गुड़गांव सेंटर बहुत बाबा के समय का सेंटर, पता है ना आप सबको, गुड़गांव से बहुत बुढ़िया निकली, गुड़गांव उसको बाबा कहते थे। तो 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते आगे कब मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं, समझते हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे, हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, पहचानते हो, कितना मतलब कितना बड़ा बिच्छू है, पिता कहे बच्चे को कि तुम मुझे जानते हो। सबसे पहला तो मतलब माता पिता और बच्चा, ये तो जानने वाली की ये बात ही नहीं होती ना। पिता पूछ रहा है मैं तो, तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं ना, याद आया, याद आया 5000 साल पहले सबको याद आया। हाँ कहेंगे, हाँ बाबा हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब फिर मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं, यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत ही नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, अच्छा कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं, कच्चे पक्के तो है ना,
बालकों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जहां तक जिएंगे, किसका है कॉन्ट्रैक्ट ये, जब तक जिएंगे क्या करेंगे, है ना, सबका है कॉन्ट्रैक्ट है। आपसे वर्षा लेते रहे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा बनती जाएगी, होता है ना, इसलिए कल पट्टी है, बहुत विकर्मों का बोझा है। आग चीज को पवित्र करती है तुम्हारी यह योग अग्नि, यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं, मैक्सिमम कितना है, 1 मंथ ही है यज्ञ, अगर मैक्सिमम 1 मास, ये वो भी ये कौन सा है भागवत वाला जो होता है, ज्यादातर सप्ताह करते हैं, कहीं कहीं 1 महीने का भी होता है, जैसे ऋषिकेश में लोग जाते हैं ना, कई ऐसे कराते हैं 1 महीने तक। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, बाप सुनाते रहते, कहते बच्चे भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर कई विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं, भगवान हो आज मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको वापिस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे, बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर का मालिक बनो। ये साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं, कहते मुझे निरंतर याद करो, तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे, बाबा याद दिला रहे, प्रॉमिस तुम्हारा, जब मैं नहीं था तब मुझे फोन करते थे और फोन पर ये प्रॉमिस करते थे, आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, कौन सा गीत है उसके लिए, है भजन कोई गाया था, बोलो सुमन बन, आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, मेरा तो गिरधर गोपाल नहीं गाया था, तो तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना, शादी में 1-2 पर बलिहार जाते हैं ना, अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना, था ना संडे की मुरली में, क्या था वो, आज का होमवर्क भी है, कोई भी आत्माओं को किसी को भी सहारा नहीं बनाओ, सहारा बाप का सहारा, जिसमें बाबा ने कहा एवं स्वभाव संस्कार को भी सहारा बना लेते, सॉरी मेरा स्वभाव ऐसा है, प्लीज बेयर विथ मी। तो यहां है बाप पर बलिहार जाना, आप हमारे पर बलिहार होना है, बाप कहते तुम बलिहार जाओ बाप पर, तो ये है ना एक एक ये मिलता है वो एक भगवान गॉड्स प्रॉमिस, एक हमारा पोस्चर बना है, भगवान की प्रतिज्ञा है, बहुत कॉमन थी इसलिए हमने लिया नहीं, मधुबन मतलब सब जगह मिलता है लिटरेचर, तो बाप कहते तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। कितना भारी वर्षा है, अब बाप कहते मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूं, सिर्फ तुम मुझे तुम निरंतर मुझे याद, सिर्फ बलियार जाओ तो 21 जन्म सदा सुखी, सिर्फ निरंतर याद करो तो वर्षा देता हूं, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे ये भूलो मत, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो, हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं, बाप परमधाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है,
पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबर वार है, कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते, यहां बैठे तो नशा चढ़ता है, यहां से बाहर निकला, मधुबन से बाहर निकले, क्या हुआ? वो तो हमारे लिए नहीं है ना स्टेटमेंट, सब मधुबन वाले, पांडव भवन वाले, फिलेंसी वैन, क्या हुआ? यहां से बाहर निकला और नहीं है ना आपके लिए, इसलिए याद नहीं आ रहा है, भूला। नहीं, नहीं। फिर सुबह को रिफ्रेश होते, फिर सारा दिन भूल जाते। चार पांच वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देख है नहीं, कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चलते गए, खुद अवज्ञा करते। एक तो फर्स्ट अवज्ञा मुरली, फिर उसके बाद छोटी छोटी अवज्ञा है। तो बाबा कह देते हैं, बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है, इसलिए गाया जाता है। बोलो वर्षा बहन क्या बोलते बाबा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस। एक्चुअली उनका गिरना भी ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि चढ़ने के बाद गिरना ना, जो फर्स्ट ही सीढ़ी पे थे उनकी प्रॉब्लम भी नहीं थी, गिर भी जाते। तो ज्ञान में जो चलते नहीं है ना, तो वो कुछ भी करेंगे उनको फील नहीं होता, लेकिन जो चढ़ गए ना उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो गिरे तो चकनाचूर, देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते, वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबर वार है ना, भल वहां सब सुखी रहते फिर भी मर्तबे तो है ना, स्कूल में मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी नहीं प्रजाई सही जो तकदीर में होगा, नहीं इसको बोलो क्या बोलते तम, दीपक भाई ये जो स्टाइल है, मेंटेलिटी है, ऐसे नहीं प्रजाई सही जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, तमो प्रधान पुरुषार्थ। इतनी सी भी ये फीलिंग आई, भाई देखो मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, बाकी ठीक है, अगर हम बेस्ट ट्राई करते तो बाकी ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम एक्चुअली जैसे एक कमरे को भी सफाई की फीलिंग है कि तो ऑटोमेटिक दिखाई देगा, कचरा दिखाई देगा कि नहीं मुझे एकदम अच्छा रखना है, स्वयं को अच्छा रखना है तो कचरा दिखाई देगा। सत्व प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते। ये घुड़दौड़ है ना, सब नंबर वन तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है, बाबा हमेशा कहते वो हॉर्स रेस है, ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है, क्या करती है, कैसा विघ्न डालती है, जो एकदम रेस से ही निकाल देती है, दौड़ते ही नहीं है, ठीक है मिल जाएगा तो ठीक है, तुम्हारी ह्यूमन रेस है। रोज पर डे का टारगेट, जैसे हम होमवर्क कर रहे हैं ना, होमवर्क भी एक्चुअली क्या है, पर डे का टारगेट है। जहां टारगेट नहीं है अगर बाबा के ज्ञान में आने के बाद, तो आउट ऑफ द रेस है, टारगेट ही नहीं है। रेस वाले मतलब ही क्या है कि उनको लक्ष्य है कि इतने समय तक, इतने दिनों में जो भी है। आत्मा कहते हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, बाबा अब बाबा के पास कहते हम बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई थी, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको ना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटे रहते हो ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है, सिर्फ बाप को याद करो, 8 घंटा सेवा बोलता है और 8 घंटा याद,
मतलब दोनों इंक्लूडेड हो गए ना उसमें, बाबा की सेवा बाबा किया 8 घंटा, कितना हो जाता है सेवा और याद मिला के 8 घंटा हो जाता है? नहीं, जितने कर्म करो अगर उसमें स्पिरिचुअलाइज कर दो उसको, मेंटालिटी को, एटीट्यूड को, तो क्या हो जाएगा? बाबा के ऑफिस में बैठा हूं, बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग ऑफिस चलेगी, बाबा के घर में जो भी बैठे हैं के कार्य कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार वो कार्य करना, बस वो भी तो सेवा के लिस्ट में हो जाएगा अगर इस तरह है तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितना भारी सर्विस है, सिर्फ बाप को याद करो, सुखधाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, ठीक है, 8 घंटा बोला, रोज का आधा घंटा तो दो, क्या वर्षा बन आधा घंटा, 8 घंटा बाबा कहते हैं। मतलब बाकी तो चलो ये मेंटालिटी से घर में करते हैं, पर सेंटर पर तो दो आधा घंटा सेवा में। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो, जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो बच्चे कहां भी बैठकर कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं, कोई है सिंधी वाला? बहुत अच्छा, बाबा हमेशा कहते हैं, किताबें जी कहते रहते, सवेल सुमण सवेल उठण, मतलब सवेरे जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना, सवेरे उठना, ये गुण मनुष्य को बड़ा बनाता है, बड़ा करता है। नहीं, सवेरे सोना मतलब जल्दी सोना, जल्दी सोना, ये है ना, ये एक ये करती है स्कूल में, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। हाँ, देखो बाबा के कितना बड़ा कार्य, मधुबन है, शांति वन है, 20,000 का खाना, लेकिन 10 बजे लाइट्स ऑफ। पांडव भवन में तो 10 बजे मतलब दिल्ली का 1 बजाओ देखा, 10 बजे फुल है ना, देखा होगा ना, नोट किया होगा। ये वो कहते हैं ना, ये कविता गाते थे लौकिक में, शाम हुई जल्दी सो जाना, प्रात हुआ जल्दी उठ जाना, दिन में 3 समय खाना, रात रात को जो सोता है, बात बात में जो रोता है, धत्तेरे की ऐसी कविता गाते थे। मधुबन में सो जाते थे 9:30। बड़े बड़े एक्टर्स का हमने सुना है कुछ कुछ ऐसी है, जल्दी सो जाना। तो सवेल सुमण सवेल उठण, ये ब्रह्मा बाबा बहुत बोलते थे। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आदि होनी चाहिए, इतनी जरूरत नहीं है हमको नींद की, 6 आवर्स परफेक्ट अगर देखा तो। 4 घंटा नींद बस, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये, एक डिपेंड करेगा ना कितना हमारा वर्क आदि का है, इसको हम ऐसे भी नहीं ले सकते बस बाबा ने 4 घंटे कहा ना। कर्मयोगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, किया मधुबन में किसी ने? हमने 2 बजे तो नहीं किया 3:30 अभी भी रोज 2:30 बजे
वंडरफुल, बहुत अच्छा। पर 2:30 बजे उठ के याद करते हो? नहीं नहीं अभी भी? अच्छा वंडरफुल। तो रात को 10 बजे सो जाओ, हाँ 2 बजे उठो, शिव बाबा को याद करो। अच्छा 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। शरद भाई कौन सी कैटेगरी है? 4 से लेट जिसके बाद नहीं बोला है, 4 से लेट। 5 बजे वाला कौन हो गया मालूम है ना? 5 बजे वाले कौन उठते हैं? कोई है 5 बजे नियमित रूप से उठने वाले यहाँ? हाँ ये देखो, अब 5 बजे नहीं 4 बजे। 5 बजे किसको बाबा कहते हैं उठने वाले को? भक्ति वाले, योगी 4 बजे और भगत 5 बजे और 6 बजे भोगी रोगी, रोगी रोगी और 7 बजे भोगी, जो भोगने में भोगना की फीलिंग में रहते हैं, दुख भोग रहे सुख भोग रहे, ये सब 7 बजे। तो बाबा कहते हैं 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे, वो फर्स्ट क्लास समय है, 4 बजे उठो, वो फर्स्ट क्लास समय, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। अच्छा है घर में नहीं है ना, बल्कि जिनके घर में ज्ञान में नहीं चलते हो उनको तो बहुत अच्छा टाइम है सुबह का, क्योंकि वो अपना टाइम है ना। फिर तो उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वो याद पक्की हो जाएगी। वास्तव में जिसका याद के पूरा एक सीक्वेंस है ना, मतलब पूरा याद ऐसे एन एक्टिविटी है, पूरा यहाँ करना है यहाँ जाना है फिर ये स्थिति ये स्थिति ये स्थिति, ये जिसने सीक्वेंस बनाया है वही 3 बजे उठ सकता है। खाली याद करना वो तो 4 बजे उठ के करने उठ के याद करना है बस, ठीक है 4 बजे उठ जाओ, पर क्या क्या सीक्वेंस बनाना पूरा, और तब हमको लगता है 2 आवर्स मिनिमम चाहिए याद के लिए। तो बाबा कहते हैं वो फर्स्ट क्लास समय है, एकदम अशांति रहती है, उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वो याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। किया आज अमृत वेले सभी ने? नहीं करने वाले कितने थे? हाथ उठे जिसने नहीं किया। 3, 4 ऐसा नहीं, मतलब अनलेस एंड अंटिल कोई बेड रिडन केस हो, नहीं फिर नहीं, फिर वो याद नहीं, वो होता ही नहीं है। हमने भी ट्राई किया था, वो नहीं होता है, वो याद, वो खुद की तसल्ली हो जाती है। क्यों नहीं उठो फिर जब लेटे लेटे कर सकते? ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे लगता है, तो बाबा कहते हैं अमृत वेली की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते, स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई थोड़ी थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी, तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने में बड़ी कमाई। ये तो रियली सवेरे सवेरे सबसे बड़ा जो संतुष्टि होती है ना, बाबा से जो 2 घंटा 1.5 घंटा एक्सक्लूसिव मुलाकात हो जाए, पूरा आत्मा फुल हो जाती, एटलीस्ट ये तो करना ही करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी धारणा के लिए सवेरे क्या करना है, ठीक है शरद भाई? कल से अमृत वेले उठ,
अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास कर। अशरीरी बन पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी। सुबह की अलर्ट अवस्था किसकी रहती है? ऑलवेज एकदम अलर्ट। एक तो उठना हुआ, चलो उसमें हम हाथ उठाते, एकदम अलर्ट, अलर्ट फुल अलर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो बेशक पर्सनली हमसे गाइडेंस लो, लेकिन करो अलर्ट। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरा, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले समान और समीप। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात कब? अभी अभी निराकारी। देखो एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज व्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवादारी, ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ वेट समाप्त हो, माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। नहीं तो हमारा और शिव बाबा माशुक पतला पतला है, कोई वेट ही नहीं है कर्म भोग का। यदि माशुक हल्का और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बनो समीप बनो। सभी आजकल लोग कॉन्शियस है ना, वेट कॉन्शियस, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज करो, ठीक है? ये एक्सरसाइज रोज करते ही है ना, कितने होंगे यहाँ? हाँ, तो अभी अभी निराकारी ऐड करो अपने एक्सरसाइज। अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकार कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवा। तो एक एक संकल्प में निराकारी 3 मिनट, फिर एक 3 मिनट के बाद अव्यक्त फरिश्ता, विश्व सेवादारी सकाश, तो फिर कर्मयोगी। स्लोगन है अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बन। अव्यक्त इशारा, जैसे चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते भी हरेक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो जब संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे तो विश्व की सर्व आत्माओं को स्वतः आकर्षित करेंगे, क्योंकि संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े, संपूर्णता में प्रभाव, संपूर्णता अर्थात आकर्षण। बाबा के ये संपूर्ण बनने का एक मुरली है, उसमें से लिया गया है। जितना पूरा 16 कला उतना ना चाहते भी देखने में आता है, ऑटोमेटिक नजर आते हैं ना। आज फुल मुंडे है, आज पूनम है, पूनम की चांद है, तो ऐसे संपूर्णता में ऑटोमेटिक वो स्पॉट आउट हो जाएगा बाकी औरों से। अच्छा जी।